आज देश में शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसकी महत्ता को देखते हुए सरकार द्वारा खासकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी शिक्षा के प्रति जागरूक करने और स्कूल चलो अभियान जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से उन्हें प्रेरित करने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां सरकार के इन प्रयासों से बच्चे मोटिवेट होकर स्कूल तो जाने लगे हैं, लेकिन अपर्याप्त भवनों तथा सीमित संसाधनों की वजह से इनके पठन पाठन का कार्य भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जहां इसी तरह का कुछ मामला देखने को मिला झारखंड के चतरा जिले में। दरअसल जिले के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित प्रतापपुर प्रखंड के कौरा गांव स्थित एक सरकारी प्लस टू विद्यालय, जहां बच्चों को पढ़ाई के लिए भवन तो खड़े हैं, लेकिन आपको ये सुनकर बेहद अटपटा लगेगा कि इस स्कूल में पढ़ने वाले तकरीबन 700 बच्चों को यहां बड़ी संख्या में मौजूद हैं और इस स्कूल भवन में पढ़ने की खातिर मात्र 2 ही कमरे हैं, जहां ये काफी मशक्कत से अपनी पढ़ाई कर पाते हैं। हालांकि इन बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या यहां 7 बताई जाती है। वहीं स्कूल के एक शिक्षक मंगलानंद शर्मा ने कहा कि कई बार इस पूरे मामले के संदर्भ में अधिकारियों को लिखा गया तथा सभी विषयों से उन्हें अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इस दिशा में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगभग वही 10 से 11 में उग्रवादी के द्वारा जो ऐसे पूरे विद्यालय को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पहले मिडिल स्कूल था, उत्क्रमित हुआ तो हाई स्कूल हुआ और उसके बाद प्लस टू भी हो गया। दिनों दिन विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती रही और भवन का अभाव के कारण बहुत से विद्यार्थी नहीं आने वाले में भी हैं। जो आते भी हैं तो उनको बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। मात्र 2 रूम में ही 1 से लेकर 12वीं क्लास तक के यहाँ पर अध्यापन कार्य चल रहा है और जो भी भवन बचा हुआ भी है वह जीर्ण शीर्ण हालत में विभागीय पदाधिकारी को भी सूचित किया गया। उसके बाद जो विभाग से रिपोर्ट मांगा जाता है उसमें भी बराबर भवन की चर्चा होती है और उस पर कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। नया पर एक चार दीवारी है, यहाँ पर वन विभाग के तरफ से 150 पौधे लगाए गए थे, लेकिन चार दीवारी के अभाव में अभी एक भी पौधे नहीं है। वहीं दूसरी ओर बच्चों के एक परिजन रोशन विश्वकर्मा भी विद्यालय की परिस्थितियों से इत्तेफाक नहीं रखते और बच्चों की पढ़ाई को लेकर इन्हें सुविधाएं देने की फरियाद कर रहे हैं। बच्चे के पढ़ाने में सुविधा है कि हम लोग मजदूर किसान हैं, हम लोग बाहर जाके पढ़ा नहीं सकते हैं। यहाँ के हम तो बड़े आदमी हैं नहीं कि हम बाहर दिल्ली कलकत्ता बम्बे ले जाके पढ़ावे हैं। यहाँ नक्सली क्षेत्र है, कुछ दिन पहले स्कूल के उड़ा दिया गया है, यहाँ मास्टर की कमी है, बहुत ही यहाँ कमी है। बता दें कि तकरीबन 10 साल पहले एक नक्सली वारदात में माओवादी नक्सलियों द्वारा इस स्कूल भवन के कई हिस्सों को उड़ा दिया गया था। उसके बाद से आज तक भवन का जीर्णोद्धार और नए भवन का निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका। कमरे के अभाव में बच्चे खुले आसमान या फिर पेड़ के नीचे अपनी पढ़ाई करने को विवश हैं। वहीं इस स्कूल की चार दीवारी भी ना होने के कारण छात्रों के अलावा स्कूल प्रबंधन को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट।